हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेजेस इन जावा। तो देखिए, पैकेज का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड थिंग्स। क्योंकि इससे पहले भी हमने पैकेज वर्ड सुना है, आपने सुना होगा सैलरी पैकेज या ट्रेवल्स पैकेज। ठीक है, तो सैलरी पैकेज मतलब क्या, जो भी अलाउंसेस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उनका पैकेज। ठीक है, या टूर्स एंड ट्रेवल्स पैकेज मतलब जो रिलेटेड फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाएगी उसका एक पैकेज बनता है। तो वैसे जावा में भी पैकेज का मीनिंग सेम ही है। पैकेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड थिंग्स। तो जावा में वो रिलेटेड थिंग्स या कलेक्शन किसका है, तो हमारे क्लासेस या इंटरफेसेस का कलेक्शन मतलब पैकेज है। ठीक है, जो भी हमारे सिमिलर टाइप्स के क्लासेस या इंटरफेसेस है उसका कॉम्बिनेशन मतलब पैकेज है। ठीक है, तो यहाँ जावा में पैकेज का मतलब एक फोल्डर है। ठीक है, जब हम पैकेज क्रिएट करेंगे ना, तो समझ जाओ हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, एंड उस फोल्डर में हम रिलेटेड क्लासेस या इंटरफेसेस को सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पैकेज जावा में दो टाइप्स के आते हैं, टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस। फर्स्ट इज बिल्ट इन एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो बिल्ट इन का मतलब हमें जावा ने खुद से प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उसमें आते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज, जावा डॉट AWT पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट SQL पैकेज। ठीक है, एंड यूजर डिफाइंड मतलब हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पैकेज के जो एडवांटेजेस है ना, दो क्या है, पैकेज जब जब हम क्रिएट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा कोड है ना वो मेंटेनेबल रहता है, क्योंकि हम जो सिमिलर टाइप का कोड है ना वो एक जगह रखते हैं या एक प्लेस पे एक फोल्डर में हम रखते हैं, तो वो मेंटेनेबल रहता है। ठीक है, देन कोलिजन जो है ना वो अवॉइड हो जाता है, दैट मीन्स नेमिंग कॉन्फ्यूजन जो है ना वो हमें आता नहीं है पैकेजेस की वजह से। दैट मीन्स अब देखो, अगर बिल्ट इन क्लासेस की अगर हम बात करेंगे ना, तो जावा में डेट क्लास जो है वो दो पैकेजेस में आता है, दैट मीन्स SQL पैकेज में भी आता है एंड हमारे यूटिल पैकेज में भी आता है। ठीक है, तो फिर भी हम डेट पैकेज जो है अलग अलग जगह अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, फिर हमें कोई वहाँ नेमिंग कॉन्फ्यूजन या कोलिजन ऑकर नहीं होता है क्योंकि पैकेज की वजह से। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मैं अभी आपको थ्योरी जो मैंने आपको समझाई वो मैं आपकी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने इक्लिप्स आईडी ओपन किया है। इक्लिप्स आईडी में अगर हमें पैकेज क्रिएट करना है ना, तो हम SRC पे जाकर क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके न्यू न्यू करके पैकेज भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। पर मैं यहाँ से आपको पहले क्लास क्रिएट करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैन्युअली आपको नोटपैड में प्रोग्राम करना है तो आप पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको मुझे दिखाना है, तो इसलिए मैं पहले क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो क्लास में मैं क्लास का नेम देती हूँ पैकेज एग्जाम्पल, या फिर पैकेज वन ही रखते हैं, हमें मल्टीपल पैकेज क्रिएट करने हैं। तो पैकेज वन मैं यहाँ क्लास का नेम रखती हूँ, ये क्लास का नेम है यहाँ, ये जो मैंने रखा है ये पैकेज वन क्लास का नेम है। ठीक है, तो एक क्लास हमारा यहाँ बनकर रेडी है। अब हमें पैकेज क्रिएट करना है, तो जब जब हमें पैकेज क्रिएट करना होता है ना, तो पैकेज कीवर्ड यूज करना होता है। ठीक है, पैकेज एंड देन पैकेज नेम जो हमें रखना है वो पैकेज नेम हम यहाँ रख सकते हैं, टेक गाइड अश्विनी सपोज। ठीक है, हम यहाँ पैकेज का नेम देंगे, पैकेज का नेम स्मॉल लेटर हमें देना है, टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, अब देखो ये तो आप स्टूडेंट है तो आपको समझना है पैकेज क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पैकेज का कोई सा भी नेम यहाँ दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो एरर है ना ये क्यों आई, क्योंकि मैंने बताया पैकेज का मतलब होता है फोल्डर, एंड इस पैकेज में ये क्लासेस स्टोर होने वाले हैं। आपको बताया पैकेजेस कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, अब इस फोल्डर में ये क्लास रिलेटेड जो फाइल्स है स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा फोल्डर तो हमने बनाया नहीं, तो इसलिए ये एरर आई। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को फोल्डर को क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मूव टू पैकेज वन। अब यहाँ देखो टेक गाइड अश्विनी नाम का पैकेज हमारा क्रिएट हो गया, दैट मीन्स ये हो गया फोल्डर, एंड इसके अंदर गया हमारा ये प्रोग्राम पैकेज वन डॉट जावा। ठीक है, पहले हम पैकेज क्रिएट करके उसके बाद उस पैकेज में क्लास को क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स सोर्स फाइल को। बट आपको अगर नोट पैड में प्रोग्राम टाइप करना है ना, तो आपको पता होना चाहिए पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो पैकेज के लिए पैकेज कीवर्ड, देन हमारे पैकेज का नेम। अब देखो जब हम इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो तब हमें ऐसा पैकेज का नेम नहीं देना होता है, तो हम क्या करते हैं यूनिवर्सल पैकेज नेम देते हैं। ओके, दैट मीन्स यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा ऐसा पैकेज का नेम देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कॉम डॉट, एंड उसके बाद हमारे जिस भी कंपनी के लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जिस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसका नेम देते हैं, दैट मीन्स कॉम डॉट। सपोज हम किसी बैंक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कॉम डॉट उस बैंक का नेम, एंड उसमें भी डॉट लगाकर हम मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं टेक गाइड अश्विनी डॉट पैकेज वन,
ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो टेक गाइड अश्विनी है ना, तो उसमें एक पैकेज इस फोल्डर में और एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए, इसमें हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, सॉरी, तो एक मेथड हम यहाँ क्रिएट करेंगे। मेथड को मैं एक्स स्पेसिफाई देती हूँ पब्लिक, ठीक है। अब ये एक्स स्पेसिफायर है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी तो आप फिलहाल समझ लीजिए ये एक एक्स स्पेसिफायर है जिसमें मैंने मेथड क्रिएट की M1, ठीक है। तो यहाँ मैं करती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, एक मैसेज हम यहाँ कोई भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं देती हूँ क्लास का ही नेम देती हूँ ताकि हमें समझ जाएगा कि इस क्लास की ये मेथड है, ठीक है, एंड सेमी कोलन, ठीक है। अब देखो, सेम नेम की मेथड हम किसी और पैकेज में भी क्रिएट करेंगे। मैं और एक पैकेज आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। अब इस बार हमने क्या किया था, पहले क्लास क्रिएट किया एंड उसमें पैकेज हेडिंग लगाया, ठीक है, दैट मीन्स पैकेज एंड पैकेज नेम। अब इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ से ही न्यू एंड पैकेज करेंगे। यहाँ हम पैकेज का नेम देंगे, सपोज सिर्फ अश्विनी देती हूँ मैं यहाँ, अश्विनी, ठीक है। आपको मीनिंगफुल नेम देना है, मैं बस यहाँ आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ इस पैकेज में हम क्लास क्रिएट करेंगे, तो उस पैकेज के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, देन क्लास, ठीक है। अब यहाँ क्लास का नेम देती हूँ मैं पैकेज 2, ठीक है। पैकेज के एग्जाम्पल है इसलिए क्लास के नेम मैं ऐसे पैकेज 1 पैकेज 2 रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमें पैकेज कीवर्ड ऐड करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, क्योंकि हमने पहले फोल्डर को क्रिएट किया बाद में क्लास को क्रिएट किया, तो इसलिए हमें पैकेज को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एंड डिफरेंट नेम से भी कर सकते हो, पर मैं आपको सेम नेम से मेथड क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पब्लिक वॉइड M1, सेम नेम की मेथड हम क्रिएट करेंगे एंड उसको कॉल करेंगे। तो अब मैं यहाँ देती हूँ किस क्लास की ये मेथड है, ये हमें बस दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्लास का नेम ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास का नेम है हमारे पैकेज 2, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया एंड सेमी कोलन, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, ये दो पैकेजेस की जो मेथड है ना, ये किसी और क्लास में हमें यूज करनी है, ठीक है। तो देखो, हम और एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी हम किसी क्लास के अंदर कर सकते हैं। वो जो और एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं, वो भी हम किसी और क्लास के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं किसी क्लास में नहीं करती हूँ इसको, नहीं रखती हूँ, ठीक है, किसी पैकेज में नहीं रख रही हूँ मैं इस क्लास को, इसमें हम मेन मेथड लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे पहले दो क्लासेस है ना, तो उसकी जो मेथड है उसको हमें यहाँ कॉल करना है। जब भी हमें किसी क्लास की मेथड कॉल करनी होती है ना दूसरे क्लास में, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम एंड उस ऑब्जेक्ट से हम उस मेथड को कॉल करेंगे। दैट मीन्स पैकेज 1 के ऑब्जेक्ट से पैकेज 1 डॉट ऑब्जेक्ट 1 डॉट उस मेथड को कॉल करेंगे। पैकेज 2 के भी ऑब्जेक्ट से हम उसी मेथड को कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देखो, हम पहले क्लास का नेम, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम मैं यहाँ देती हूँ सेम, ठीक है, इक्वल टू हमारा न्यू कीवर्ड, ठीक है, एंड देन फिर से हमारे क्लास का नेम, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड सेमी कोलन। अब देखो, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पर ये यहाँ एक्सेसिबल है क्या, नहीं, तो क्यों नहीं है, तो इसके लिए हमें इस पैकेज को यहाँ इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको लिख कर बताती हूँ कैसे इम्पोर्ट, ठीक है, एंड इस क्लास का पैकेज कौन सा था आपका, टेक गाइड अश्विनी, तो हम यहाँ उस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, टेक गाइड अश्विनी एंड सेमी कोलन, ठीक है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या मेरी, यहाँ हमने इनपुट किया, हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, गलती क्या हुई थी हमारी, मैं एक बार दिखा दी आपको। यहाँ हमने क्या किया, इस पैकेज को यहाँ राइट किया, पर उस पैकेज के क्लास जो है ना उसको भी हमें यहाँ लिखना होता है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा पैकेज 1, तो अब इस पैकेज 1 की मेथड जो है वो हमें एक्सेसिबल है, ठीक है। अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पैकेज 2 यहाँ से लेती हूँ कॉपी करके, पैकेज 2, इसका भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, ये पैकेज जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो पैकेज है इसको हमें इम्पोर्ट करना होगा। तो देखिए, हम कैसे इम्पोर्ट करेंगे इस पैकेज को,
इम्पोर्ट है, इसका जो पैकेज नेम है, ठीक है, यहाँ हमने इम्पोर्ट किया। यहाँ क्या था हमारे पैकेज का नेम, अश्विनी डॉट पैकेज टू। अब समझो अश्विनी इस पैकेज में मल्टीपल क्लासेस है और वो सभी क्लासेस के सभी मेथड्स को हमें अगर एक्सेस करना है, तो हम हर बार ऐसा नहीं लिखेंगे ना इम्पोर्ट अश्विनी डॉट क्लास वन, इम्पोर्ट अश्विनी डॉट क्लास टू, इम्पोर्ट अश्विनी डॉट क्लास थ्री। समझो हमारे पास 100 क्लासेस है, तो 100 बार हमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट राइट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार या अस्टेरिस्क ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्लासेस इस पैकेज के अंदर है, उसके सब क्लासेस एंड उसके सब मेथड्स हमें एक्सेसिबल होगी इस क्लास में, ठीक है। अब देखो हम उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसकी मेथड जो है वो कॉल करते हैं। पैकेज वन पहले करती हूँ मैं यहाँ, एंड देन मेथड, तो मेथड है हमारी यमोन सेमीकोलन। अब यहाँ पैकेज टू डॉट यम टू देन सेमीकोलन। अब देखो ये प्रोग्राम को मैं, सॉरी, हमारे पास यमोन ही मेथड है, दोनों में हमने यमोन ही मेथड लिखी है। तो यहाँ देखो मैं प्रोग्राम को सेव करके रन करके दिखाती हूँ। यहाँ देखो पैकेज वन पैकेज टू, क्योंकि यम वन में हमने प्रिंट किया है पैकेज वन एंड यम टू में हमने प्रिंट किया है पैकेज टू। तो देखो पैकेज जो है, तो ये पैकेज के अराउंड में जिस पहले तो आपको पता चले कि दोनों क्लास में हमने सेम ही मेथड लिखी थी, फिर भी हमें कोई कोलिजन का प्रॉब्लम नहीं आया, वैसे भी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर किए हैं। एंड पैकेज की हेल्प से, पैकेज क्या है आप समझ गए, पैकेज मतलब क्या है फोल्डर है। या देखो दो पैकेजेस हमारे पास है, एक है अश्विनी दूसरा है टेक गाइड अश्विनी। दैट मीन्स ये हमारे पैकेजेस के नेम है जो हमारे फोल्डर बन चुके हैं यहाँ, एंड उस फोल्डर में हमारे ये प्रोग्राम आ गए हैं। एंड थर्ड प्रोग्राम जो है हमारा, ठीक है, ये पैकेज थ्री, तो वो हमने किसी पैकेज के अंदर नहीं लिखा है, ठीक है। फिर भी हमारे ये दोनों पैकेज के मेथड इसमें एक्सेसिबल हो गए, क्योंकि हमने यहाँ इम्पोर्ट किया, ठीक है। अब इम्पोर्ट स्टेटमेंट आप मल्टीपल लिख सकते हैं एक प्रोग्राम में, क्योंकि एक ही क्लास में हमें मल्टीपल मेथड्स यूज करने हो सकते हैं, ठीक है। हमें एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड्स यूज करनी होगी, तो हम मल्टीपल इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं अगर वो अलग अलग पैकेजेस है तो, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि हम एक पैकेज स्टेटमेंट जो है ना, ये फिर दैट मीन्स दोबारा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। वन से ज्यादा, मोर देन वन टाइम हम पैकेज को नहीं लिख सकते। दैट मीन्स पैकेज, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ डेमो एंड सेमी कोलन, तो ये यहाँ अलाउड नहीं है। हम एक क्लास को एक ही पैकेज में रख सकते हैं, आप चाहते हो तो इसमें ही डेमो लगा सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स डेमो, तो एक कैडास में के अंदर डेमो नाम का एक फोल्डर आ जाएगा एंड उसमें हमारा ये प्रोग्राम चला जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें डेमो फोल्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर। तो यहाँ देखो हमारा टेक एड अश्विनी जो है, तो उसके सामने डेमो भी यहाँ लिख कर आया, ठीक है। दैट मीन्स इस फोल्डर में ये अलग फोल्डर क्रिएट हो गया एंड उसके अंदर हमारा पैकेज है, ठीक है। अगर यहाँ हम प्रॉपर्टीज इसकी चेक करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लोकेशन देखिए सी ड्राइव पे हमारे लास्ट में देखो टेक गाइड अश्विनी, उसमें डेमो फोल्डर एंड उसमें हमारा पैकेज वन डॉट जावा यहाँ सेव हो गया, ठीक है। तो आपको पैकेज के अंदर पैकेज रखना है तो ये आपके लिए वैलिड सिंटैक्स है, पर पैकेज की लाइन मतलब पैकेज की वर्ड लिखकर अगर आप कुछ अलग पैकेज यहाँ बना रहे हैं दोबारा, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये इनवैलिड है, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है। अब देखो मैंने यहाँ चेंजेस किए, तो इसलिए वहाँ एरर आ गए हमारे पैकेज थर्ड प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ हमने डेमो पैकेज और एक क्रिएट किया, तो इसलिए ये एरर आ गई थी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बोल रही ना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।